नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिवचिंग पोस्ट के नज़दीक बनाए जाने वाले अर्थ स्टेशन के बारे में। हम देखते हैं कि सभी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग ट्रैक की रेल से ये मानकर करते हैं कि ट्रैक की रेल जीरो पोटेंशियल पर होती है, लेकिन ये देखा गया है कि कई जगह रेल फॉर्मेशन इंक्रीज कर देने से रेल और फॉर्मेशन के बीच इंसुलेशन बन जाता है, जिसके कारण रेल का ग्राउंड पोटेंशियल समाप्त हो जाता है और रेल का कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसके कारण ये डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर या सुविधा अनुसार प्रत्येक स्विचिंग पोस्ट के नज़दीक एक अर्थिंग स्टेशन बनाना है, ताकि अर्थिंग सिस्टम को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसमें प्रत्येक ट्रैक के लिए सेपरेट अर्थिंग स्टेशन बनाया जाता है। यदि सिंगल ट्रैक है तो एक अर्थिंग स्टेशन, यदि अप और डाउन ट्रैक है तो दोनों के लिए अलग अलग अर्थिंग स्टेशन बनाते हैं। मल्टी ट्रैक सेक्शन में प्रत्येक ट्रैक के लिए अलग अलग अर्थिंग स्टेशन बनाते हैं। सबसे पहले अर्थ बस तैयार की जाती है, इसके लिए 13 मीटर की रिलीज्ड रेल का यूज करते हैं। इस रिलीज्ड रेल को 0.6 मीटर बाई 15 मीटर की एक ट्रेंच की खुदाई करके 1 मीटर डेप्थ पे इसको रखा जाता है। बरी ड्रेल को ट्रेंच के अंदर रख दिया गया है। इसके जो कनेक्शन किए जाते हैं वो 75x8 mm की GI प्लेट होती है। बरी ड्रेल के दोनों एंड पर एंड से लगभग 1.5 मीटर की डिस्टेंस से इसका कनेक्शन दोनों एंड पे एक एक अर्थ इलेक्ट्रोड से किया जाता है। इस तरह से हमारी ये अर्थ बस बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस अर्थ बस का कनेक्शन 75x8 mm GI प्लेट से रनिंग रेल से किया जाता है। रनिंग रेल में होल करके पहले कॉपर बुश डाला जाता है। कॉपर बुश लगाने के बाद इसको M12 नट बोल्ट से, जो कि स्टेनलेस स्टील का होता है, ट्रैक से GI प्लेट को कनेक्ट करते हैं। इसमें एक साइड प्लेट वाशर और अपोजिट साइड स्प्रिंग वाशर लगाया जाता है। 75x8 mm GI प्लेट का कनेक्शन बरी ड्रिल से इस तरह से कॉपर रिवेट लगाकर क्यों करते हैं। इस तरह से हमारा ये अर्थिंग स्टेशन बनकर कंप्लीट होता है।